भजन देव रहा बाबा चैनल आपका स्वागत करता है, जिनके चमत्कारों की श्रृंखला हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। वे एक ऐसे प्रेम स्वरूप संत थे जो आत्मज्ञान के प्रदाता थे, समस्त स्थितियों के स्वामी व मन की व्यथा दूर करने वाले थे। अपनी नाना प्रकार की लीलाओं से वे लोगों के भय व कष्ट को हर लेते थे। उनकी लीलाएं भी अनंत थीं, बिल्कुल उनके अनंत चमत्कारों की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं इस श्रृंखला की यह अगली कड़ी, जब बाबा ने प्रसाद देकर असाध्य रोग को दूर किया। मार्च 1952 में कुंभ के शुभ अवसर पर परम पूज्य बाबा हरिद्वार में थे। 13 अप्रैल को कुंभ का मुहूर्त था। उन्हीं दिनों श्री बाबा के दर्शनार्थ एक बड़ा ही दीन विद्यार्थी आया। वह धारा में प्रवेश कर मंच तक पहुंचा और जोर जोर से रोने लगा। परम दयालु बाबा ने छात्र से रोने का कारण पूछा। छात्र ने जो कुछ भी बताया उसका तात्पर्य था कि वह किसी असाध्य रोग से ग्रस्त था। डॉक्टरों के हिसाब से उसका बचना कठिन था। वह बाबा की शरण में आया था। श्री बाबा ने उसके हाथ में कुछ बताशे गिराए और उन्हें खा जाने का आदेश दिया, परंतु छात्र उन्हें खाने से झिझक रहा था। उसे उन बताशों में बहुतेरे कीड़े कुलबुलाते नजर आ रहे थे। उसने चाहा कि वह उन छोटे छोटे कीड़ों को झाड़कर निकाल दे और तब बताशे को खा ले। उसने बाबा से अपनी झिझक का कारण बतलाया। बाबा उसे लक्ष्य कर रहे थे। बाबा ने छात्र से कुछ क्षण मौन रहकर कहा, देखो अब कीड़े हैं या नहीं? विद्यार्थी ने बताशे को गौर से देखा। अब कीड़े नहीं थे, बताशे बिल्कुल साफ थे। छात्र ने कहा, अब तो कीड़े नहीं दिखते। बाबा ने कहा, तो प्रसाद ग्रहण करने में कोई हानि नहीं है, क्यों बच्चा? छात्र ने बताशे को मुंह में डालकर कहा, जी। बाबा ने कहा, देख बच्चा, तेरी बीमारी अब बिल्कुल भाग गई है। यदि कीड़े तुम्हें दोबारा दिखाई देते तो रोग का निवारण सचमुच नहीं होता। विद्यार्थी गदगद था। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उस छात्र के निकट खड़े भक्त विस्मित थे। उन्हें बताशों में पहले भी कोई दोष नजर नहीं आया था, फिर छात्र को उसमें कीड़े कैसे नजर आए? बाबा की लीला अपरंपार है, उनकी लीला वही जाने। बाबा के चरणों में समर्पित इस श्रृंखला की यह अगली कड़ी, नमो नारायण।